अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू रेलिश रेसिपीज। अगर आपको कुछ ऐसा खाने की क्रेविंग हो रही हो जो बाजार के अलावा ना मिलता हो और आपका बाजार जाने का दिल भी ना कर रहा हो, तो मैं आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए लाई हूँ मीठे की ऐसी दो रेसिपीज जो आप इजीली घर में पड़ी हुई चीजों से आसानी से बनाकर अपने मीठे की क्रेविंग्स को खत्म कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को बनाकर इम्प्रेस भी कर सकते हैं। तो चलते हैं रेसिपीज की तरफ। बाउल में दो अंडे ऐड कर दिए हैं और मैंने उन्हें मिक्सर से बीट कर दिया है। इसको एक मिनट तक फेंटते रहें। इसके बाद इसके अंदर हाफ कप चीनी ऐड कर दें। बैटर के फ्लफी होने तक इसको मिक्स करते रहें। फिर इसके बाद इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट डाल दें। इसको 2 मिनट तक मिक्स करते रहें। उसके बाद इसके अंदर 1 कप मैदा ऐड कर दें। आप आधा आधा डाल भी कर सकते हैं और एक साथ भी डालकर मिक्स कर सकते हैं। बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसके बाद इसमें 3 टेबल स्पून दूध ऐड कर दें और इसको मिक्स कर दें। हमारा बैटर तैयार है, चलते नेक्स्ट स्टेप की तरफ। सेपरेट बाउल में 1/4 कप बैटर ऐड कर दें और इसमें 1 टेबल स्पून कोको पाउडर ऐड कर दें। मैंने इसको स्ट्रेन कर दिया है। कोको पाउडर ऐड करने के बाद इसको मिक्स कर दें। ग्लास लेकर पाइपिंग बैग को इस तरह से ओवर कवर कर दें और इसके अंदर चोको फिलिंग ऐड कर दें। कपकेक ट्रे ले लें। अगर आपके पास कपकेक ट्रे नहीं है तो आप चाय वाले कप भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें ऑयल स्प्रेड कर दें। इसके बाद इसके अंदर बेकिंग कप्स ऐड कर दें और इस तरह इसको प्रेस कर दें और फिर बेकिंग कप्स को हाफ हाफ फिल कर दें। आप इस स्टेप तक पहुंच गए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपके ऐसे करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। सबको हाफ फिल करने के बाद इसको इस तरह टैप कर दें ताकि बैटर में से एयर बबल निकल आए। पाइपिंग बैग को लेकर उसकी टिप को हल्का सा काट दें और इस तरह के डिज़ाइंस बना दें। आप अपनी मर्जी के भी डिज़ाइंस बना सकते हैं। मैंने एक बड़े से पॉट को 7 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख दिया था। प्रीहीट करने के बाद कपकेक ट्रे को उसके अंदर रख दें। इसके ऊपर ढक्कन देकर इसको 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख दें। अगर 15 मिनट तक आपके कपकेक्स रेडी नहीं है तो आप और टाइम भी रख सकते हैं उन्हें। कपकेक बेक हुए या नहीं उसको जानने के लिए आप कपकेक के अंदर टूथपिक डालकर भी देख सकते हैं। मैंने 15 मिनट बाद कपकेक को निकाल दिया था। ट्रे से निकाल कर आप इनको प्लेट में रख दें और सर्व कर दें। ये लें दोस्तों, हमारे इजी कपकेक्स रेडी हैं। आप ओवन के बगैर भी मज़ेदार से कपकेक्स की रेसिपी बना सकते हैं। इसको बनाने में बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है, अदरवाइज ये बहुत ही ईजी है। पैन में 2 टेबल स्पून घी ऐड कर दें। घी के मेल्ट होने पर इसके अंदर 1/4 कप बेसन ऐड कर दें। बेसन को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। फिर इसके बाद 1/2 कप मैदा ऐड कर दें। इनको आपस में मिक्स कर लें। इसके बाद मिक्सचर को छान लें। आप चाहे तो इसे ठंडा करके छान सकते हैं। छानने के बाद इसको साइड पे रख दें। दूसरे पैन में 1 कप चीनी ऐड कर दें और इसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड कर दें। इसको लो फ्लेम में पकने दें और इसके अंदर नींबू के रस के 2 या 3 कतरे ऐड कर दें। मैंने मिक्सचर को पानी में ऐड किया, वो सख्त हो गई है, इसका मतलब हमारा मिक्सचर रेडी नहीं है। पानी में डालने से ये पता चलता है कि हमारा मिक्सचर रेडी है या नहीं। इस स्टेज पे मैंने इसमें और पानी ऐड किया और इसको थोड़ी देर और पकने दिया। मैंने इसको दोबारा चेक किया और ये काफ़ी नरम थी, इसका मतलब हमारा मिक्सचर रेडी है। मैंने शेल्फ पे घी को स्प्रेड कर दिया है। आपके पास अगर सिलिकॉन मैट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। घी लगाने से हमारा मिक्सचर नीचे चिपकेगा नहीं। इसके बाद मिक्सचर को घी के ऊपर ऐड कर दें। फिर इसके बाद आप स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं। इसको हाथ मत लगाइएगा, ये स्टेज पे बहुत गर्म होगा। इसके थोड़े से ठंडे हो जाने पर इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं। याद रखिए, ये स्टेप आपने बहुत जल्दी करना है क्योंकि चीनी बहुत जल्दी ठंडी होती जाएगी। इसे 2 से 3 मिनट तक इसी तरह फोल्ड करते रहें। जब मिक्सचर का कलर ब्राउन या गोल्डन हो जाए तो इसको राउंड शेप दे दें और इसके ऊपर मैदे और बेसन के बनाए हुए मिक्सचर को ऐड कर दें। बेसन और मैदे का मिक्सचर एज अ खुश्का इस्तेमाल होगा। खुश्का लगाने के बाद इसको सेम स्टेप में फोल्ड करते जाएं। खींचते वक्त इसे ज़्यादा मत खींचिएगा वरना ये टूट जाएगा। यही प्रोसेस आप रिपीट करते जाएं। खुश्का यूज़ करने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितनी लेयर्स आ गई हैं। जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ही ज़्यादा पतीसा अच्छा बनेगा। ये देखिए, हमारा पतीसा तैयार है। मैंने यहाँ पे राउंड बाउल यूज़ किया है, आप किसी भी शेप का बाउल यूज़ कर सकते हैं। बाउल में थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ऐड करें और उसके अंदर पतीसा ऐड कर दें। जिसकी क्वांटिटी जितनी आपके बाउल की होगी आप उतनी ऐड कर दें और उसको इस तरह फ्लिप कर दें। ये ले दोस्तों, हमारी सोन पापड़ी तैयार है।
जिसको आप बहुत ही कम मिजाज से घर में बना सकते हैं। तो देखा दोस्तों, यह रेसिपी बनाना कितना आसान है। आप भी इन रेसिपीज को अपनी जिंदगी में अपनाएं और खाने के मजे उड़ाएं। अपना रखें देश तरह ख्याल। तो मिलते हैं कल नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।